गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब लोग? जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए जल्दी से लेक्चर खत्म करते हैं, पतंग उड़ाना है आज। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे सब लोग? ऑल क्लियर है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, परफेक्ट है? रिप्लाई कीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, ऑल क्लियर है। हैप्पी मकर संक्रांति आशीष जी। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन कल के लेक्चर में होमवर्क दिया था, जी हाँ, कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, जल्दी से बताइएगा वो कौन से क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप आप सब लोगों ने होमवर्क किया रहेगा। प्लीज इन्फॉर्म मी द क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था, जल्दी से फ्रेंड्स होमवर्क के क्वेश्चन नंबर बताइएगा सो दैट वी कैन क्विकली डिस्कस एंड विल स्टार्ट टूडेज डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा, ओके, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ओके, द कंप्लीट गार्डन इज टू डिसाइड ऑन ईओक्यू ऑफ द टू ब्रांड ऑफ लॉन फर्टिलाइजर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, सुपर ग्रो, नेचर्स ओन, एन्युअल डिमांड इज गिवन, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन, रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग वॉज गिवन 480 एंड 560। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ द प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज एक था आपका सुपर ग्रो एंड जो सेकेंड था वो आपका था नेचर्स ओन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था टू फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का फॉर्मूला मैंने लिखा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 480। इसके बाद सेकेंड नेचर्स ओन, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, नेचर्स ओन का एनुअल रिक्वायरमेंट आएगी 1280 बैग्स मल्टीप्लाइड बाय 1200, राइट, 1400, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 560। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया? एवरीवन जल्दी से ऑर्डर दीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया है? जी हाँ, जिन जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है आंसर देते रहिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 480 जी हाँ, पहले केस में आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो 100 आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड केस में कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइडेड बाय 560 और इसका अंडर रूट कुछ गड़बड़ किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइडेड बाय 560, 6400, इसका अंडर रूट अगर लेता हूं तो 80 आंसर आ गया। आई होप सब लोगों का आंसर आ गया 180। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओवर, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एनुअल रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर बोथ द प्रोडक्ट। चलिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमें फाइंड करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है फ्रेंड्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स
मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 है, और आप 100 के लॉट में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आई गेस 20 ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 1200। सेकेंड सिचुएशन में आपको 1 to 80 पूरे साल में परचेस करना है, एक लॉट में आप 80 क्वांटिटी परचेस करते हो, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1400। चलिएगा जल्दी से बताइएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया। ओके पहले सिचुएशन में कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 24,000 एंड सेकेंड सिचुएशन में 22,400 है, इज इट करेक्ट फ्रेंड्स? जिन लोगों ने सॉल्व किया है बराबर से चेक कीजिएगा, 24,000 पहले सिचुएशन का आंसर है, 22,400 इन द सेकेंड सिचुएशन। आई होप ये करेक्ट है, सब लोगों ने सॉल्व किया है। चलेगा चलेगा 22,400, 22,400 एंड 24,000 चलेगा। कैरिंग कॉस्ट फटाक से ये भी वर्कआउट कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी कैसे आता है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज यानी आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो है आपका 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 480। सेकंड सिचुएशन में आपका जो ऑर्डर साइज था वो 80 था डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंटरी आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 560। चलो बॉस जल्दी से आप आंसर दीजिएगा आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। ऑब्वियसली कोई शक ही नहीं है 24,000 एंड 22,400 ही आएगा, राइट फ्रेंड्स? क्योंकि एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये खुंकार सेंटेंस हम लोग बार बार वर्कआउट करते हैं, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट आता है, तो यह प्रूव होता है कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करेक्ट है। चलिएगा अगर टोटल पूछा रहेगा तो टोटल भी ले लेते हैं फ्रेंड्स। आपका टोटल आएगा फर्स्ट सिचुएशन में 48,000, सेकंड सिचुएशन में आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 44,800, 44,800। चलिएगा यस ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट फॉर ईओक्यू कॉम्प्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर बोथ द प्रोडक्ट। चलिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ डिलीवरी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिलीवरीज फ्रेंड्स आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 2000 थी और आप ऑर्डर साइज था 100 तो डिलीवरीज आ जाएगा देन 1 to 80 डिवाइडेड बाय 80 नंबर ऑफ डिलीवरीज आ जाएगा। फ्रेंड जल्दी से बताइएगा नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना आया। पहले सिचुएशन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 20 डिलीवरीज आ रहा है, सेकंड सिचुएशन में नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना आ रहा है 1 to 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इट 16। ओके तो ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके सारे के सारे स्टूडेंट का ये आंसर करेक्ट ही रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क दिया था, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे 49-16 होमवर्क था। ओके चलिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आपने सॉल्व किया रहेगा। अनिल एंड कंपनी बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। ठीक है फ्रेंड्स 36,000 6 इंस्टॉलमेंट में, यानी अगर आप चेक कर सकते हो तो आपका जो ऑर्डर साइज बन रहा है वो 6,000 बन रहा है। ओके ईच यूनिट कॉस्ट रुपीज 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला के एक ही सेंटेंस बताता हूं, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कैरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है तो वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे आप परचेस प्राइस पे। ओके इसके बाद फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। ठीक है समझ गया, कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है। ओके लेट्स चेक हाउ मेनी ऑफ यू ये आंसर करेक्ट लाया है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा बॉस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज 36,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। जी हां चेक कीजिएगा, एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा है वो 25 है डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा फ्रेंड्स, हर एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपीज है और 20% इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है। सो 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसे आपका कैरिंग कॉस्ट बनता है।
सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है एग्जैक्टली चेक कीजिएगा, 3000 यूनिट्स। काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जिन लोगों ने सॉल्व किया है फटाक से आंसर दे दीजिएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, 2 × 36000 × 25 डिवाइडेड बाय 0.20, और इसका अगर अंडर रूट लेता हूं तो 3000 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, वेरी गुड। अगर ये आपको आंसर आ गया, 3000 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो जल्दी से ये भी आंसर दे दीजिएगा, कितना पैसा बचा लिया आपने ईओ क्यू फॉलो करके, रादर देन आपका जो प्रेजेंट पॉलिसी था वो न फॉलो किया, आपने ईओ क्यू फॉलो किया तो आपने कितना पैसा बचा लिया, जल्दी से ये भी आंसर दीजिएगा। कितने पैसे बचा लिया? ओके, ओनली 150 रुपीज सेव हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया है 150, मनी कैन बी सेव, 150 रुपए सेव हो सकता है अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं तो। सब लोग चेक कीजिएगा क्या ये बराबर है। ओके, 150 मनी कैन बी सेव, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 150 अमाउंट कैन बी सेव। जल्दी से चेक करते हैं, एक कॉलम मैंने कंसिडर कर लिया ईओ क्यू, दूसरा कॉलम में कंसिडर कर रहा हूं प्रेजेंट पॉलिसी। ओके, सबसे पहला लाइन जो था वो आएगा, सपोज मैं ये शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। डायरेक्टली मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आएगा, तो 36000 पूरे साल में परचेस करना है, 3000 एक साथ आप परचेस करते हो, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। नेक्स्ट सिचुएशन में प्रेजेंट में क्या कर रहे हो आप, 36000 परचेस करना है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली दिया हुआ है 6 ऑर्डर प्लेस करते हो, तो 6000 का एक ऑर्डर है इसलिए वो 6 ऑर्डर्स रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 25। जी हाँ, ये आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार चेक कीजिएगा बराबर है क्या, 36000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 25। सो इन द फर्स्ट कॉलम आंसर इज 300, इन द सेकेंड कॉलम 36000 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 150 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करता हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट की, अगर बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला है मेरा एवरेज इन्वेंट्री, प्रेजेंट सिचुएशन में एवरेज इन्वेंट्री आएगा ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, ईओक्यू के कॉलम में, और प्रेजेंट के कॉलम में आएगा 6000 डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फ्रेंड डिस्काउंट वगैरह तो कुछ भी सीन नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होएगा, पहले सिचुएशन में भी 0.20, सेकेंड सिचुएशन में भी 0.20 आया है। सो 3000 डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.20, क्या रे दर्शन क्या काम कर रहा है, 3000 डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 0.20, 300 आपका आंसर आया। ऑब्वियसली ईओ क्यू पे ये सेम आना चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट सिचुएशन में 6000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 600। फ्रेंड्स टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पहले कॉलम में आ गया 600, नेक्स्ट कॉलम में आ गया 750, और जिन जिन लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया और आंसर दिया 150, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर है, 150 रुपए एक्स्ट्रा या फिर सेविंग होएगा अगर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट आंसर वही दे रहे, 150 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो पहले केस में आ गया 600 ईओक्यू, और कितने पैसे बचा लिए, तो 150 रुपीज बचा लिए। इसमें कुछ डाउट है फ्रेंड्स आप लोगों को, इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन 16? अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। Is there any doubt, friends? कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा, अदरवाइज हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। ऑल क्लियर है, नो डाउट है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ये बताइएगा कहां तक अपने सारे क्वेश्चन हो गए, सीक्वेंस में चेक कीजिएगा एंड टेल मी क्विकली, 1 to 16 कंप्लीट हो गया या 1 to 17 कंप्लीट हो गया, एक बार चेक कीजिएगा। 1 to 16 में कोई क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं है? जी हां,
वन टू सिक्सटीन में कोई क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं है, एक बार चेक कीजिएगा। 16 तक सारे क्वेश्चंस हो गए, दुर्गा जी आंसर दे रहे, 16 तक सारे क्वेश्चंस हो गए सर, कोई टेंशन नहीं, 17 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ओके सर, ओके, अप टू 16 ऑल क्वेश्चंस आर डन, वेरी गुड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर कॉस्टिंग का भी लाइव स्ट्रीमिंग कीजिएगा। ओके, कॉस्टिंग का भी लाइव स्ट्रीमिंग कीजिएगा, तो यस आपके लिए हम लोग लेके आए हैं लाइव स्ट्रीमिंग फॉर द कॉस्टिंग, ठीक है। तो जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स का सेशन लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा है, तो इसके आगे के जो एनक्रिप्टेड लेक्चर है वो लाइव स्ट्रीमिंग में ही चलेंगे, ठीक है। इसका जो यस आई नो आप लोगों को ये चाहिए था लाइव स्ट्रीमिंग, तो ये अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। इसका जो अनाउंसमेंट है वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर करता हूं, ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स। सो लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो एंड में करते, फिलहाल आज का हम लोग टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइएगा। एचकेसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स। एचकेसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स। मेरे पहले क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिएगा, ये जो 52,000 मंथली डिमांड है फ्रेंड्स, ये रॉ मटेरियल का है या फाइनल प्रोडक्ट का है? एकदम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़िएगा, पहला लाइन आराम से पढ़िएगा और जल्दी से आप आंसर दे सकते हो। एचकेसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये जो मंथली डिमांड है 52,000, जल्दी से आप आंसर देंगे, ये रॉ मटेरियल का है या फिनिश गुड्स का है? क्योंकि हम लोग तो टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं मटेरियल का, तो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए ना कि फाइनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए। जी हाँ, एक भी स्टूडेंट ने गलत आंसर नहीं दिया है, एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का आंसर वही आ रहा है, फिनिश गुड्स का है मालिक, ये फिनिश गुड्स। शाबाश फ्रेंड्स, तो ये पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से करना है कि ये जो रिक्वायरमेंट दिया है, डिमांड दिया है, ये रॉ मटेरियल का या फाइनल प्रोडक्ट का है, ठीक है। अगर इसको रॉ मटेरियल कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो आपको जीरो मार्क्स मिलेगा, वहां पे ही आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आंसर सामने हैं, सारे के सारे स्टूडेंट ने ये करेक्ट आंसर दिया है, चैंप लोगो आप। लेकिन मैंने आपको बताया था, क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया था, मंथली, एनुअल या फिर क्वार्टरली, सिक्स मंथली, डे वाइज, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया उसको आप अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट आपकी फिरकी ले सकता है, राइट फ्रेंड्स। The product requires component X, ये जो ऊपर का product का discussion कर रहे हैं, that product requires component X which purchase at 15 per unit for every final product, 2 units of component X are required. For every final product, 2 units of component X are required. चलिएगा, मेरा आपसे पहला question है, tell me quickly, annual requirement of product X. जल्दी से, अगर आपने ये बराबर से डिस्कशन कर लिया कि सर ये फाइनल प्रोडक्ट है, जो 52,000 था मंथली डिमांड जो था वो फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो रॉ मटेरियल है कंपोनेंट एक्स, उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आएगी। शायद आप क्वेश्चन बराबर से नहीं सुन रहे हो, अरे इंटरनेट में कुछ गैप आ गया क्या, अरे कुछ खराब हो गया कनेक्शन में, कुछ लोगों ने बराबर सुना नहीं है, अरे आप लोगों ने बराबर से सुना नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा। कुछ लोग 1,04,000 आंसर दे रहे, मुक्ता जी, विधि जी, आप कैसे आंसर गलत दे सकते हो, 1,04,000 आपका आंसर है, ये गलत है। टीटी इंडस्ट्रीज, आपका आंसर गलत है, अरे मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या आज, एन्यूअल, अरे थोड़ी देर पहले आपको बोला था, अरे अंडरलाइन करना है, कहां पे अंडरलाइन करना है, अरे मालिक 52,000 मंथली डिमांड था, मैं आपको बोल रहा हूं एक्सीडेंट पॉइंट है, मंथली एन्युअली सिक्स मंथली एक्सीडेंट पॉइंट है, थोड़ी देर पहले चिल्ला के मैं बोल रहा था ये एक्सीडेंट पॉइंट है, यहां पे इंस्टीट्यूट आपकी फिरकी लेगा और वहां पे ही आपने स्पीड बढ़ा के एक्सीडेंट कर दिया।
अरे क्या मालिक, क्या ये? मैं बोल रहा हूं, अरे यार ये मंथली है, आप अंडरलाइन कीजिएगा। और फिर भी आप गलत आंसर कैसे दे सकते हो? एक्सीडेंट पॉइंट पे स्पीड बढ़ाना नहीं है, स्पीड कम करना है, वो ध्यान से देखना है। क्या मालिक, क्या किया रे? अरे अरे, अगर ये आप आंसर गलत लिखते हो ना, एनुअल रिक्वायरमेंट का 0 मार्क्स मिलेगा ना। पहला ही स्टेप गलत है, ईओक्यू गलत आएगा, और आगे जो क्वेश्चन पूछे वो सब कुछ गलत आएगा। सामने वाला चाहे भी तो आपको मार्क्स नहीं दे सकता है। मैं बोल रहा हूं जहां पे ऐसा है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, प्लीज आप अंडरलाइन करते जाइएगा आगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये लिखा हमने कि 52,000 फाइनल प्रोडक्ट का मंथली रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर करते हैं तो ये जो आंसर आएगा ये फिनिश गुड्स की डिमांड आ गई। अगेस, एंड एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल एक्स का 2 क्वांटिटी लगता है। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर कितना आया? 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, जी हाँ, 6,24,000 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,48,000। जी हाँ, इज इट 12,48,000? कोई शक इसमें? कोई शक इसमें? 12,48,000 लिखा आप सब लोगों ने, ये लिख लीजिएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्स या कंपोनेंट एक्स। जी हाँ, 6,24,000 ये फाइनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ गई, डिमांड आ गई। एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 2 क्वांटिटी एक्स का लगता है, तो 12,48,000। चलिएगा, आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है ये अगर आपने कंप्लीट किया है तो आगे देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 350 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट इज 12% पर एनम। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर कंपोनेंट एक्स। ठीक है, ईओक्यू फाइंड करेंगे हम लोग। जल्दी से बताइएगा ईओक्यू कितना आया। अब बहुत इजी हो गया, फेयर में लिखते जाइएगा और आंसर देते जाइएगा। ईओक्यू कितना आया? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया 12,48,000। 12,48,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, 350 पर ऑर्डर है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12% ऑन परचेस प्राइस। परचेस प्राइस इज 15, आपको जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है 22,030.28। मैंने आपको बता दिया था, जब भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो पहले आप जो आपका आंसर आया वो लिखेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली का सिंबल देके आप, अगर राउंड अप आपको करना है तो राउंड अप कर लेंगे। 22,030 अप्रोक्सीमेटली आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन रहा है। आगे चलेगा, सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आपने भी बराबर से सॉल्व किया। अब आप चेक कीजिएगा, इफ मिनिमम लॉट साइज टू बी परचेस इज 52,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। अगर आपको सामने वाला बोल रहा है कि नहीं, हम 52,000 यूनिट सप्लाई करेंगे एक लॉट में रॉ मटेरियल का, तो ऑब्वियसली आपका जो ईओक्यू आ रहा है वो 22,030 समथिंग आ रहा है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है 52,000 यूनिट्स एक साथ परचेस करना, तो यहां पे आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, और आगे का क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। चलो ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे आपको बोला है कि ईओक्यू अगर फॉलो नहीं किया है,
कुछ और पॉलिसी अगर फॉलो करते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। चलिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। दो कॉलम आप कंसीडर करेंगे, एक कॉलम आएगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और एक आएगा आपका 52,000 लॉट साइज। टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा कहां पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। आपने ये शॉर्ट में सॉल्व किया तो भी चलेगा, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सपोज सबसे पहला कॉलम हमने लिया ईओक्यू और दूसरा कॉलम लिया आपने ऑर्डर साइज, मिनिमम बोला है उन्होंने 52,000। ओके सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप आंसर देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? और ऑब्वियसली फ्रैक्शन में है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? सबसे पहले तो सपोज अगर आप वो अपना टेबल का फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। जल्दी जल्दी आप करते जाइएगा, फेयर में लिखते जाइएगा और चेक करते जाइएगा, प्लीज आप आंसर देते रहिएगा। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? एनुअल रिक्वायरमेंट आया था आपका 12,48,000 समथिंग। ये आया था आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। इसके बाद चेक करते हैं ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज है आपका 20,000। नेक्स्ट सिचुएशन में जो ऑर्डर साइज था वो 52,000 था। इसके बाद आएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12,48,000 डिवाइडेड बाय 20,030। नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहा है आपका 62.30, बराबर है। नेक्स्ट सिचुएशन में 12,48,000 डिवाइडेड बाय 52,000, आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे 24। अब आप बोलेंगे सर जी ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में आता है, तो हम लोग फ्रैक्शन में ऑर्डर कैसे प्लेस करें? ठीक है, तो सर अपनी इंस्टीट्यूट ही इसमें कंफ्यूज है। इंस्टीट्यूट कुछ कुछ क्वेश्चन, अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने राउंड अप कर लिया, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने राउंड अप नहीं किया। ओके, तो ये आप पे पूरा डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अच्छा 22,000 है, ओके फ्रेंड्स आई एम सॉरी, मैंने किसी का आंसर देख के लिखा, किसी ने तो भी फिर वो 20,000 का आंसर दिया था, मैंने किसी का तो भी आंसर देख के लिखा तो वो 22,030 है। ओके बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12,48,000 डिवाइडेड बाय 22,030 तो 56.65। अब बराबर है बॉस, अब बराबर है, एक बार चेक कीजिएगा 56.65। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, काफी बार इंस्टीट्यूट में ऐसे अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया है, दो तीन बार ही इन्होंने जनरली पूछा है फ्रैक्शन का, जनरली फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक पॉइंट 56.65 ये अगर आपका आंसर आया है तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट का ये सोच रहेगा सर अभी फ्रैक्शन में ऑर्डर कैसे करेंगे, एक तो हम लोग पूरा 57 ऑर्डर करेंगे या 56 ऑर्डर करेंगे, ऐसे आधा अधूरा ऑर्डर कैसे होएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूं ये थियोरेटिकल चल रहा है, प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली आपको 57 ऑर्डर ही प्लेस करने पड़ेंगे या 56 कंप्लीट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट कि हम लोग एक आंसर लेके आ रहे हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ये बाद में होता है। तो इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है, इंस्टीट्यूट कुछ जगह पे राउंड अप किया है, कुछ जगह पे राउंड अप नहीं किया है, तो ये आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स राउंड अप करना या नहीं करना। लेकिन एक नोट जरूर लिखिएगा कि जो फ्रैक्शन में आ रहा था वो आपने राउंड अप किया या नहीं किया, ये आप नोट लिखिएगा तो आप बच जाएंगे उस सिचुएशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स से 57 ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली आपने प्लेस किया। मैं वापिस बोल रहा हूं, आपने 56.65 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट थियोरेटिकल चल रहा है। ठीक है, ये जो आंसर चल रहा है वो थ्योरेटिकल चल रहा है, 56.65 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आधे सजेस्टेड आंसर में राउंड अप करती है, आधे सजेस्टेड आंसर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में राउंड अप नहीं किया है, तो वो हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जो आपका एजम्पशन है वो आप लिखिएगा। ओके,
तो 57 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया, और यहां पे कितना 24 ऑर्डर आ गया। देयरफोर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फ्रेंड्स, अगर आप 57 ले रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 350 जी हाँ फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड। आपने कैलकुलेशन दिखा दिया, 57 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट था 350, सेकेंड सिचुएशन में 24 मल्टीप्लाइड बाय 350 आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है, 57 मल्टीप्लाई बाय 350 आपका जो आंसर बन रहा है वो 19,950 आंसर बन गया। देन 24 मल्टीप्लाई बाय 350 आपका जो आंसर बन रहा है वो 8,400। चलिएगा सर ये बराबर के आंसर चेक कीजिएगा, 19,950 एंड 8,400, क्या ये आंसर बराबर है एक बार चेक कीजिएगा। जी हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी आप राउंड अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, आई गेस 11,015 आएगा आपका आंसर, और नेक्स्ट सिचुएशन में 26,000 आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है आपका 0.20 आई गेस, या नहीं 15 का 12%, 1.8 है, 1.8 टोटल कैरिंग कॉस्ट 11,015 मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो आपका आंसर आ रहा है 19,827। देन 26,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46,800। फिर आप लोगों ने टोटल लिया 19,950 प्लस 19,827, ठीक है ये आ गया 39,777, और नेक्स्ट सिचुएशन में आपका जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है 8,400 प्लस 46,800, 55,200। जी हाँ 39,777, 55,200। तो अगर आपने 52,000 के लॉट में ऑर्डर प्लेस किया तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा, 55,200 माइनस 39,777, तो आपका जो आंसर बन रहा है वो 15,423 अप्रोक्सीमेटली। आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा है बराबर है क्या, 15,423। अब कुछ स्टूडेंट के जहन में, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अरे सर जनरली हम लोग क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम लोग फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम लोग फॉलो करते हैं तो जितना हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही हमारा कैरिंग कॉस्ट आना चाहिए, लेकिन सर यहां पे तो अलग है, ऑब्वियसली यहां पे अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, राउंडिंग अप का डिफरेंस है ना सर, क्योंकि आपने ऊपर ऑर्डर 56.65 नहीं लिया है, आपने ऑर्डर कितना लिया है 57 ऑर्डर लिए, तो ऑब्वियसली ये जो 100 रुपए का वगैरह कुछ डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला आप एजम्पशन लिखिएगा कि जो आपने राउंड अप किया है 56.65 उसका एक नोट लिख लीजिएगा। जी हाँ ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, राउंड अप की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं और ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है 100 रुपीज वगैरह का जो डिफरेंस है वो आराम से चलता है और ये राउंडिंग अप का डिफरेंस है। चलेगा फ्रेंड्स 15,546, ठीक है आपका जो आंसर रहेगा वो आप लिखिएगा, अगर आपने राउंड अप किया नहीं किया ये आपका लुकआउट रहेगा। ठीक है मैं एक नोट लिखवा के दे रहा हूं, प्लीज वो नोट लिखवा के लिख लीजिएगा सब लोग। अंडर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जी हां एक नोट लिखिएगा फ्रेंड्स, सो हम लोग सेव हो जाएंगे, एग्जाम में बच जाएंगे, ये नोट लिखना है आपको। अंडर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर्स
अंडर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 56.65, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 56.65, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 56.65, which is rounded off, ऐसा भी लिख सकते हैं, which is rounded off to 57 orders. चलेगा, तो सामने वाले को आपने हाईलाइट करवा के दे दिया कि हम लोगों ने राउंडिंग अप किया, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस रहेगा वो चलेगा। सपोज सजेस्टेड आंसर में उन्होंने राउंड अप नहीं किया रहेगा, लेकिन आपने ये नोट लिख दिया तो आप इससे बच जाएंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपने लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना है, सो ईओक्यू में जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको लिखना है। लिखो आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर, कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू एंड मिनिमम कैरिंग कॉस्ट विल बी 19,827 मिनिमम कैरिंग कॉस्ट विल बी 19,827। जी हाँ शुभम जी, आपने एकदम बराबर बोला, अगर ये राउंड अप नहीं किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली सेम आएगा। बराबर, राउंडिंग अप अगर नहीं किया तो आपका जो भी कुछ है वो एब्सोल्युटली आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि राउंडिंग अप करना है नहीं करना, ये आपका ऑप्शन है। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो बस उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उसका आप एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100-150 रुपए का जो भी कुछ डिफरेंस है वो चलता है एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो व्यू है, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, राउंड अप किया या नहीं किया, ये आप प्लीज वहां पर लिख लीजिएगा। अगर आप राउंड अप नहीं कर रहे हो तो वहां पर एक सिंपल सेंटेंस लिख देने का कि फॉर थियोरेटिकल पर्पस We will assume that 56.65 order is possible. ऐसा आपको लिख देने का, बस तो बच जाएंगे आप लोग। चलेगा, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट विल बी 19,827। ठीक है, तो आपका ऑप्शन था राउंड अप करना या नहीं करना। चलेगा, आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। चलिएगा, सब लोगों का हो गया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा फास्ट कीजिएगा, बहुत पीछे चल रहे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 चैंप लोग, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों को सॉल्व करना है, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आई गिव यू टाइम, उतने टाइम के अंदर आपने सॉल्व करना चाहिए। लेट्स सी दैट। जी लिमिटेड produces a product which has a monthly demand of 4000 units. Product requires a component X which is purchased at rupees 20. Every final product, one unit of component is required. कौन फिरकी ले रहा है सर? कौन फिरकी ले रहा है? Company produces a product जिसका monthly demand 4000 है। तो ये जो 4000 information दिया है ये final product का दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए कंपोनेंट एक्स लग रहा है जिसकी परचेज प्राइस 20 रुपीज है। हर फाइनल प्रोडक्ट के लिए वन कंपोनेंट रिक्वायर्ड, कोई टेंशन ही नहीं सर। एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल भी आपको एक लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर एंड व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटीरियल का है। चलिएगा, पहला रिक्वायरमेंट आप फाइंड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप फटाक से उसका आंसर एक ही मैसेज में बताइएगा। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सबसे पहले तो आप बता रहे हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और कंपेयर करेंगे कॉस्ट, उसमें दो कॉलम आपने कंसीडर करना है, एक ईओक्यू कंसीडर किया एंड एक लॉट साइज जो सेकंड क्वेश्चन में दिया था, सेकंड क्वेश्चन में लॉट साइज इज 4000, तो उसका आप कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आप 4000 के लॉट में ऑर्डर प्लेस करते हैं वो। एंड तीसरा क्वेश्चन, ईओक्यू फॉलो अगर आप करते हो तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, ये तीनों का आंसर एक साथ है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आपको खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मालिक। अच्छा विधि जी इनका एक डाउट है, बाकी लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, विधि जी इनका एक डाउट है वो मैं बता देता हूं। सर ऐसा बोला है कि मिनिमम ऑर्डर साइज इज 52000 रखना पड़ेगा तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर इज 46800, नहीं हो सकता। ओके तो विधि जी मैं आपको बता दूं, आप ईओक्यू फॉलो करेंगे, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, सेकेंड क्वेश्चन अलग है एंड थर्ड क्वेश्चन अलग है। ओके तो डोंट मिक्स सेकेंड क्वेश्चन विद द थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के साथ मिक्स मत कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, पहले तो आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि आप ईओक्यू फॉलो करेंगे या ये 52000 का जो भी कुछ है ऑर्डर वो फॉलो करेंगे, तो आप ईओक्यू फॉलो करेंगे, आपको लोएस्ट कॉस्ट लगता है। तो ईओक्यू अगर फॉलो करते हैं तो आपका मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो ईओक्यू फॉलो करना है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन प्लीज आप मर्ज मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स 18 नंबर का आंसर जल्दी से। फास्ट फ्रेंड्स 5 मिनट है आपके पास, आपको सॉल्व करना है।
फाइनली सारे आंसर चाहिए, वन बाय वन आंसर मत दीजिएगा, तीनों आंसर एक साथ चाहिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, रियली इंप्रेस्ड। मुक्ता जी इनका आंसर आ गया, हर्षद जी, शुभम जी, अंकिता जी, शुभम जी, प्रगति जी, नैनेश्वर जी, इन लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग जल्दी से, तहा जी, वेरी गुड। अरे जल्दी से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। 2400 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट 2400 है एंड जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है, तो 640 कुछ स्टूडेंट का आंसर आया है, 640 काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया है। वेरी गुड प्रगति जी, अच्छा आपने लिखा है कि कंपनी शुड फॉलो ईओक्यू, वेरी गुड, टू सेव 640, वेरी गुड। ये आपको लाइन लिखना है कि कंपनी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सही है बॉस। देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट, दुर्गा जी आप एक बार आंसर चेक कीजिएगा, ईओक्यू गलत आया है। अच्छा ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, एक बार चेक कीजिएगा, ईओक्यू शायद गलत आया। 2400 हर एक स्टूडेंट का ईओक्यू आया, 2400, शाबाश, क्या बात है फ्रेंड्स, आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस, वेरी गुड फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपने फाइंड किया रहेगा एनुअल रिक्वायरमेंट, वेरी गुड फ्रेंड्स, शाबाश, सब लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट है, ईच एंड एवरी, जितने भी आंसर सामने देख रहा हूं हर एक स्टूडेंट का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, चैंप लोगो तुम। एनुअल रिक्वायरमेंट आपने फाइंड किया, जैसे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड दी थी वो 4000 थी, वो मंथली डिमांड थी 12, और एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक क्वांटिटी रॉ मटेरियल का लगता है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया आपका 48000। जी हाँ, तो इसके बाद आपने वर्कआउट कर लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ 2 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट कम्स टू 48000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, चलिएगा, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 10% दिया है परचेज प्राइस पे, सो 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10%, ओके, सो लेट्स चेक क्या आपका आंसर करेक्ट है, 48000 मल्टीप्लाइड बाय च्यू मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय च्यू, आपको जो आंसर आ रहा है परफेक्ट आंसर दिया है 2400, शाबाश लोग, गाइस आपने एकदम बराबर आंसर दिया 2400। फिर आपने एक कॉलम लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दूसरा कॉलम आपने कंसीडर किया रहेगा लॉट साइज, मिनिमम कितना बोला है 4000, मिनिमम लॉट साइज कितना बोला है 4000, ओके चलेगा। फिर आप लोगों ने वर्कआउट किया ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि अब काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपको ये पूरा लिंक लग गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने फाइंड किया, जैसे 48000 एनुअल रिक्वायरमेंट था, ईओक्यू में 2400 आप परचेस कर रहे हो, परफेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर का खर्चा 120 रुपए है, देन सेकेंड 48000 आपको पूरे साल में परचेस करना है, 4000 के लॉट में अगर आप परचेस करते हो तो कितने ऑर्डर्स आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर का खर्चा जो था वो 120 था, सो 48000 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 120, तो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2400, ओके, इसके बाद 48000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 120 आपका जो आंसर बन रहा है 1440 बन गया, ओके, इसके बाद कैरिंग कॉस्ट, पहले क्वेश्चन में तो टेंशन ही नहीं था, पहले कॉलम में टेंशन ही नहीं था, कैरिंग कॉस्ट आप आराम से वर्कआउट कर सकते थे, कैरिंग कॉस्ट आपका आया था एवरेज इन्वेंटरी, आपने देख लिया एवरेज इन्वेंटरी कितना था, तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2400, जी हाँ 2400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट इज च्यू, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं इसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा, 4000 डिवाइडेड बाय च्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, ओके, सो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2400 इन द फर्स्ट सिचुएशन, 4000 इन द सेकंड सिचुएशन, ओके गाइस आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट है वो आ रहा है 4800 एंड सेकंड सिचुएशन 5440,
नेट टी शर्ट मैंने बिल से कनेक्ट किया है, थोड़ा सा उठिएगा यू है कन में, ठीक है। तो आज का चलिए यहाँ पे ही कंप्लीट करो, हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है, राइट फ्रेंड्स। स्ट्रीमिंग इन्फॉर्मेशन आप देना है, क्या आप सुन पा रहे हो, एक बार चेक कीजिएगा क्या आप सुन पा रहे हो, नेटवर्क इशू है थोड़ा, तो शायद वीडियो आएगा, इन्फॉर्म मी, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जी हाँ एक बार चेक कीजिएगा, वॉइस नॉट क्लियर। हाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू है, मैंने मेरे मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो वो शायद अट।